तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलरिटी। क्या नाम है? मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। तो देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी आफिर ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए निकाली जाती है? तो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाती है। कैसे डिफाइन करोगे? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच टेक पार्टिसिपेटेड इन एन एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच टेक पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी एलिमेंट्री स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कितने टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एलिमेंट्री स्टेप में, वही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। ठीक है, किसी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में, वही क्या कहलाता है? उस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन है इस तरीके से, लेट अस कंसीडर डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट देकर के क्या कर रहे हो? डीकम्पोज करवा रहे हो, डीकम्पोजिशन करवा रहे हो अमोनियम नाइट्रेट का। तो आपको पता है अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें? नाइट्रोजन गैस में और वाटर में, इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन में कितने रिएक्ट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजिली कि यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट के सामने जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है वो कितना है? 1 है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के आगे जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है वो कितना है? 1 है। 1 का मतलब ये हुआ कि 1 अमोनियम नाइट्रेट मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेटेट कर रहे हैं। सो फॉर दिस रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 हुआ? क्योंकि इस रिएक्शन में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेट कर रहा था इस केमिकल रिएक्शन में, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1 होगी। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सपोज दैट आपके पास किसी वजह से दूसरा आपका कोई केमिकल रिएक्शन है इस तरीके का, दूसरा एग्जांपल कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेट कर रहे हैं? तो आपको देख सकते हो इजीली कि एक रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन गैस है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? आयोडीन गैस है। और हाइड्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल। और आयोडीन गैस का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल। तो हमने क्या कहा था? टोटल टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जितने भी रिएक्टेंट है, सारे रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल
पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का आपको समेशन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के सामने जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट लिखा है 1 है, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है और आयोडीन का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक आयोडीन मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि टोटल अगर हम बात करेंगे टोटल कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। सो फॉर दिस रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी विल बी 2। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 हुई तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हो बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू। ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है ऐसे रिएक्शन को बोलते हो बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, टोटल कितने टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे इस केमिकल रिएक्शन में, तो 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल था आपका हाइड्रोजन का और दूसरा मॉलिक्यूल था आयोडीन का। सेम तरीके से अगर बात करके कोई और आपका एक और केमिकल इक्वेशन कंसिडर करो जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और आयोडीन गैस, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेट कर रहे हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कितने टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का पार्टिसिपेट कर रहा है और 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन गैस का पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि टोटल, अगर टोटल का मतलब हुआ कि जितने भी रिएक्टेंट हैं सारे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई, 3 हुई। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 होती है तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई, 3 हुई। 2 मॉलिक्यूल आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन गैस का पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी निकल के आई है वो कितनी आई है, 3 आई है। और जिस भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 होती है ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो, ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है 1, सिंगल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखो एक चीज आप ध्यान से चीज देखना आपको चाहिए था, चलो अभी इसको बाद में देखते हैं। हम यहाँ पे तो हम बात करेंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मॉलिकुलरिटी, अबाउट मॉलिकुलरिटी। हम कुछ यहाँ पे फैक्ट के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्युलरिटी के रिस्पेक्ट में, मॉलिक्युलरिटी के बारे में कुछ हम तथ्यों के बारे में, कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो पहला फैक्ट होता है मॉलिक्युलरिटी के बारे में वो ये होता है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन, कैन बी डिटरमाइन, कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट, फ्रॉम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट कोफिशियंट
ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है देखो, किसी सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो कि जो सिंपल रिएक्शन आपको दिया गया होगा, उस सिंपल रिएक्शन में रिएक्टेंट के सामने जो नंबर लिखा होता है उसे क्या बोलते हो आप? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। यहाँ सिंपल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ ये समझो। सिंपल रिएक्शन क्या होता है? तो मैं बताया था, देखो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन? दो टाइप के होते हैं। एक आपका रिएक्शन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसी एलिमेंट्री रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंपल रिएक्शन। क्या नाम है? सिंपल रिएक्शन। और दूसरा जो दूसरा दूसरे टाइप का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसा रिएक्शन जो दोज रिएक्शन विच कंप्लीट ओनली वन स्टेप, ऐसा रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। एक ही स्टेप में कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए केवल एक स्टेप लगता है। ठीक है, एक ही स्टेप लगता है, और एक ही स्टेप में रिएक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन टू आर मोर देन टू स्टेप, ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने के लिए दो या दो से ज्यादा स्टेप लगते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो केवल एक ही स्टेप में क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कंप्लीट इन वन स्टेप, कंप्लीट इन ओनली वन स्टेप, ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने के लिए केवल एक ही स्टेप लगते हैं। एक ही स्टेप में क्या हो जाता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में टू आर मोर देन टू स्टेप, ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने के लिए दो या दो से ज्यादा स्टेप लगते हैं। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो। तो देखो, किसी सिंपल रिएक्शन का मतलब हुआ किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पता लगा करके। जैसे मान लो कोई आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है? कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब कंसीडर करो, जैसे अगर आप कोई एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर करते हो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए केवल एक स्टेप लगते हैं, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन जैसे ही कंबाइन किए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो कांटेक्ट में आने के बाद में डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई और अदर चीज नहीं बनती है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में मिले, प्रोडक्ट बन गया। ठीक
ठीक है, ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और रिएक्टेंट और माल प्रोडक्ट के बीच में कुछ और अदर स्पीसीज नहीं बनते हैं, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन, ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की अगर मॉलिकुलरिटी आपको डिटरमाइन करनी हो, किस एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंपल रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, तो किसी भी सिंपल रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट की। तो देखो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, देखो जब मॉलिकुलरिटी आप निकालते हो, जिस भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी आपको निकालनी होगी, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना पड़ेगा वहां पे कि रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको क्या करो, बैलेंस करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, तब तक रिएक्शन क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट क्या होता है, किसी रिएक्टेंट के सामने जो नंबर लिखा होता है यही नंबर क्या कहलाता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट 1 है और ओजोन का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट कितना है, 1 है। तो अगर देखो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट अगर पता है तो मॉलिक्युलरिटी आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मॉलिक्युलरिटी को आपको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के, एक रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट 1 था और दूसरे वाले रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट 1 था, इस हिसाब से इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो किसी सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप देख करके बिना पेन उठाए हुए आप डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक एक मॉलिक्यूल आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है और दूसरा मॉलिक्यूल ओजोन का, नाइट्रिक ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और ओजोन का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल कर रहा है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने देखा और देख करके बता दिया कि भाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था और ओजोन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। बिना पेन उठाए हुए आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो किसी सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आपको पता है तो आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, मैं बता ही चुका हूँ कि रिएक्टेंट के सामने जो नंबर लिखा होता है वही क्या कहलाता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। बट अगर आप, मैं बात करूंगा, देखो सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी निकालना पॉसिबल है, सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मॉलिक्युलरिटी इजिली डिटरमाइन कर सकते हो, किसी सिंपल रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो उस केमिकल रिएक्शन, उस सिंपल रिएक्शन जो दिया गया होगा उसको अगर वो बैलेंस है तो उसका आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ होगा उससे आप देख करके इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नेट मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, हैज नो मीनिंग। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नेट मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। नेट मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या, हमें कहना चाहूंगा यहाँ पे वो मैं भी इसमें एक्सप्लेन करूंगा। देखो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नेट मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है, ईच स्टेप हैज सेपरेट मॉलिक्युलरिटी, सेपरेट मॉलिक्युलरिटी, सेपरेट मॉलिक्युलरिटी, सेपरेट मॉलिक्युलरिटी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि
आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उस कॉम्प्लेक्स किस टाइप का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया है, अगर उसके सामने कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं लिखने का मतलब हुआ ये नहीं बताया गया कि सिंपल रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको उस रिएक्शन को कंसीडर करना है एज सिंपल रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया गया, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि ये रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपको उस रिएक्शन को कैसे कंसीडर करना है एज ए सिंपल रिएक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि तो अगर एक स्टेप में कंप्लीट होता तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना होकर के क्या होता, सिंपल रिएक्शन होता। ये रिएक्शन कैसे, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में दो स्टेप लगते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, तो स्टेप फर्स्ट में आपका होता है दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों दो मॉलिक्यूल थे आपके, किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके पहले स्टेप में क्या बनाए, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। और दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, ये जो फर्स्ट स्टेप में आपका बना हुआ है क्या, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में बना है, ये वापिस से फर्दर किससे कंबाइन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और क्या बनाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO2 गैस बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब इन दोनों स्टेप को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो ए वाला आपका टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या अब यहाँ पर बचेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में क्या बनेगा, NO2, और इधर आपका बचा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इधर क्या क्या बचा है, CO2 है और क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। ये रिएक्शन दो एलिमेंट्री स्टेप में कंप्लीट हो रहा था और दोनों स्टेप को आपने जब ऐड किया तो आपको एक नेट रिएक्शन मिला, क्या मिला, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन का मतलब ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा था, दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, अब दोनों स्टेप को आपने जब ऐड किया तो आपको क्या मिला, एक नेट स्टेप मिला, नेट रिएक्शन मिला, जो वही लिखा हुआ है जो पहले आपने लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखो मैं बात किया था कि मॉलिक्यूलरिटी किसी एलिमेंट्री स्टेप के लिए निकाली जाती है, किसके लिए निकाली जाती है, मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री स्टेप के लिए निकाली जाती है, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे स्टेप फर्स्ट की, स्टेप फर्स्ट में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 1, यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। और दूसरे वाले स्टेप में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो इसके लिए भी 2 होगी, क्योंकि इसके 1 मॉलिक्यूल और इसके 1 मॉलिक्यूल, कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूलरिटी। स्टेप फर्स्ट की मॉलिक्यूलरिटी 2 और स्टेप 2 की मॉलिक्यूलरिटी 2,
अब जब दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है, तो क्या मिला आपको? नेट रिएक्शन मिला। तो आप कहते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइन नहीं करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं करते हैं, मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होने की वजह से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होने की वजह से नेट रिएक्शन जो आपको मिल रहा है बाय एडिंग इंडिविजुअल स्टेप्स, ठीक है, तो अगर आप बात करोगे इस नेट रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी, आप अगर ये बोलोगे कि इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 2 है और इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 2 है और दोनों को ऐड किया तो मिला नेट रिएक्शन। अगर आप ये बोलते हो इस नेट रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी 4 होगी तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी नेट रिएक्शन का, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नेट मॉलिक्युलरिटी, नेट रिएक्शन के लिए नेट मॉलिक्युलरिटी, नेट रिएक्शन के लिए नेट मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है, नेट रिएक्शन के लिए नेट मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती। अगर आप बोलते हो, क्योंकि अगर आप ये तर्क देते हो कि स्टेप फर्स्ट की मॉलिक्युलरिटी 2 है और स्टेप 2 की मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसलिए ओवरऑल जो रिएक्शन है, जो नेट रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्युलरिटी 4 होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और दोनों को मॉलिक्युलरिटी को आप ऐड करके ये बोल रहे हो कि नेट रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 4 होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नेट मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। अगर यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे 1 और 1, ठीक है, अगर आप इस बैलेंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख करके आप बोल रहे हो कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, ये जो रिएक्शन लिखा है कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एलिमेंट्री स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए आप मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हो। तो जो आपका स्टेप फर्स्ट था इसके लिए मॉलिक्युलरिटी आप डिफाइन कर सकते हो, स्टेप जो सेकंड था इसके लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हो। और मान लो कोई रिएक्शन होता जिसमें एक स्टेप और इन्वॉल्व होता, उसकी भी मॉलिक्युलरिटी आप डिफाइन कर सकते थे, बट ओवरऑल ओवरऑल आप मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्युलरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्युलरिटी आप डिफाइन कर सकते हो, बट अगर आप ये सोचते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर दो या किसी बैलेंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नेट मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर दो, तो ऐसा नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नेट मॉलिक्युलरिटी भी डिफाइन नहीं होती है, कोई मतलब ही नहीं होता है, और न ही किसी किसी बैलेंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख करके वहां से आप मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हो। तो मॉलिक्युलरिटी आपकी केवल एलिमेंट्री स्टेप के लिए निकाली जाती है, न कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकाली जाती है, ठीक है। अब हम दूसरे फैक्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा फैक्ट आपका जो है, दूसरा फैक्ट आपका यह है कि मॉलिक्युलरिटी कैन बी मॉलिक्युलरिटी कैन बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली मॉलिकुलरिटी कैन बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली का मतलब क्या हुआ? थ्योरेटिकली का मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज होता है एक्सपेरिमेंटली और दूसरी चीज होती है आपकी थ्योरेटिकली, सॉरी एक्सट्रीमली लिख दिया। एक चीज होती है आपकी एक्सपेरिमेंटली और दूसरी क्या होती है?
एक्सपेरिमेंटली, दूसरी क्या होती है थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली देखो, एक्सपेरिमेंटली का मतलब क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करके चीजों को मेजर अगर करते हो तो आप उसे बोलते हो कि एक्सपेरिमेंटली तरीके से हमने इस चीज के लिए ये चीज निकाली हुई है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। और थ्योरेटिकली का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप ना करके केवल कुछ रूल आपको अप्लाई करके, मतलब कुछ सॉल्व करके, कुछ फार्मूले का यूज करके, या मतलब लिख लिख पढ़ करके, राइट करके, कुछ चीज, किसी चीज को लिख करके किसी चीज को प्रूफ करना, किसी चीज के लिए कोई रिजल्ट निकालना, किसी चीज के लिए ला दे देना, ये सारी चीजें क्या होती है थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली का मतलब वो होता है कि आप किसी चीज को राइट करके, लिख करके आप डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैं जब बात कर रहा था यहाँ ऊपर, आप देखो ना, देखो ये आपका इस रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी हमने डिटरमाइन किया था कि इस रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी कितनी थी, 2 थी। तो ये जो आप मॉलिकुलरिटी कैलकुलेट किए हो, इसकी मॉलिकुलरिटी निकालने के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी किया, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा और वहां से आपने मतलब दोनों को जोड़ करके, दो सारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को जोड़ करके आपने बता दिया कि इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कितनी है, 2 है। आपने इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ना, तो वही है कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके उसमें इन्वॉल्व सारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करके आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन कर सकते हो। इसी ही बोलते हो आप थ्योरेटिकली, यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, थ्योरेटिकली आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, देख करके बता सकते हो, कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा फैक्ट आपकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या ऐसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। न तो मॉलिक्यूलरिटी कभी निगेटिव हो सकती है, न कभी किसी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो सकती है, और न ही कभी किसी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है। क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ये 3 कंडीशन किसी भी रिएक्शन के लिए नहीं बनते हैं। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी न तो निगेटिव में कभी आ सकती है, न कभी जीरो आ सकती है, न कभी फ्रैक्शनल आ सकती है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव में आती है, कभी भी न तो निगेटिव में आती है, न तो जीरो आती है, न तो फ्रैक्शनल आती है, ये कभी भी नहीं आती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव में आती है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी का वास्तव में मतलब क्या है, वास्तव में रियली में, रियल में क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल मीनिंग क्या है मॉलिक्यूलरिटी का, वास्तव में मॉलिक्यूलरिटी क्या बताता है। मॉलिक्यूलरिटी ये बताता है, मॉलिक्यूलरिटी टेल हाउ मच मॉलिक्यूल कोलाइड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली हाउ मच मॉलिक्यूल कोलाइड इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने पहले ही बताया था कोलिजन थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन होता है वह होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करना चाहिए, उनको कोलिजन करना चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता विदाउट कोलिजन। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से टच में नहीं आएंगे, तब तक कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक कोलिजन नहीं करेंगे, जब तक कोलाइड नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टकराना। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे नहीं, कोलाइड नहीं करेंगे एक दूसरे से, तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन क्या था, देखो टकराना तो जरूरी है, बिना टकराए हुए रिएक्शन हो नहीं सकता,
बट अगर आप ये कहते हो कि केवल टकरा जाने से, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आपस में टकरा जाने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, टकराए, टकराना जरूरी है बट सफिशियंट नहीं है। देखो, एक चीज होता है नेसेसरी, नेसेसरी, और दूसरा क्या होता है सफिशियंट। नेसेसरी और दूसरा क्या होता है सफिशियंट। नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि जरूरी है, और सफिशियंट का मतलब पर्याप्त। ठीक है, देखो जरूरी तो है कि कोलाइड, जो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होने होने होंगे वो आपस में कोलाइड करने चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन ये कहना कि कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराए और प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। टकराना जरूरी है, लेकिन ऐसे टकराएं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इतनी तेजी से, इन्हें इतनी एनर्जेटिक तरीके से टकराएं, इतनी एनर्जी के साथ टकराएं, इतनी तेजी से टकराएं कि उनके पास एक मिनिमम जो एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, उतनी एनर्जी ये ऑब्टेंड कर लें बाई कोलिजन, तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का टकराना सफल होगा। सफल होने का मतलब, तभी उनका कोलिजन जिसके लिए हो रहा था प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ अगर मैं ड्रा करूं, तो अगर मान लो रिएक्टेंट है आपका, और इस रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट जब आपस में कोलिजन करेंगे तो इनकी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होने लगेगी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने लगेगी, अगर रिएक्टेंट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट जब आपस में नजदीक आएंगे, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो इनकी एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगी, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जब बढ़ेगा तो ये जो मिनिमम एनर्जी है जिसे आप बोलते हो, इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, और इस स्टेट को क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्टेट। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करें जरूरी है, ठीक है, लेकिन इतना तेजी से टकराएं, इतना एनर्जेटिक तरीके से टकराएं, इतना इनके पास एनर्जी हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल के पास में, ताकि इनके जो कोलिजन से जो एनर्जी इनकी इंक्रीज हो, इतनी तेजी से टकराएं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कि इनकी एनर्जी इतनी बढ़ करके, इनकी एनर्जी इंक्रीज करके इतनी हो जाए कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको ऑब्टेंड कर लें। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी इस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल नहीं होगा, तब तक रिएक्शन, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो टकराना जरूरी है, लेकिन इतना तेजी से टकराए, इतना एनर्जेटिक तरीके से टकराए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनकी एनर्जी बढ़ करके, उस कोलिजन के दौरान एनर्जी बढ़ करके इस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए या इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तभी क्या होगा, आगे चल करके रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यही कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी ये बताता है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो भी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब हुआ कि सफिशियंट एनर्जी के साथ में, ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। जैसे मान लो कि 1 लाख मॉलिक्यूल क्या है, 1 लाख मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो 1 लाख मॉलिक्यूल के आपस में टकरा जाने से, अगर आप ये सोचते हो कि 1 लाख जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, तो मोस्टली जो मॉलिक्यूल आपस में जो कोलाइड कर रहे होते हैं, उनके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी उस कोलिजन के दौरान नहीं ऑब्टेंड होता है, ताकि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन स्टेट को ऑब्टेंड कर पाए। ठीक है, आप देखोगे कि इस एक कोलिजन तो 1 लाख मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, बट उस 1 लाख कोलिजन का कोई मतलब नहीं है। केवल अगर आप देखोगे एक्सपेरिमेंटल तरीके से, तो केवल लगभग 100 या
500 के अराउंड, 500 के अराउंड मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका कोलिजन क्या होगा, इतना इफेक्टिवली होगा कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। बाकी जो कोलिजन होंगे वो उतना एनर्जेटिक नहीं ना होने के कारण से और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते। जैसे वही है, एक एग्जांपल समझो कि मान लो एक कम रेस हो रहा है, इस रेस में बहुत सारे कैंडिडेट कैंडिडेट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे मान लो कि 1,000 1,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं इस रेस में। अब इस रेस को जीतने के लिए कंडीशन क्या है, इस रेस को लिए कंडीशन है कि मान लो कि सपोज दैट 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, रन करना है विद 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लेना है। ज्यादा बोल दिया, मान लो कंपटीशन है 1 मिनट, तो बोल 1 किलोमीटर 1 मिनट, चलो मान लो कि आपको 50 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड के अंदर अगर आप ट्रेवल कर लेते हो 1 किलोमीटर, तब इस रेस में आप क्वालिफाई माने जाओगे, अदरवाइज डिसक्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। तो आप पता चला कि रेस हुआ, इस रेस में 2 से केवल 4 कैंडिडेट ऐसे थे जो इतनी तेजी से दौड़े कि उन्होंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस को 50 सेकंड या 50 सेकंड के से भी कम समय उन्होंने लिया 1 किलोमीटर दौड़ने में। तो केवल 2 से 4, इसका मतलब हुआ कि केवल 2 से 4 कैंडिडेट ही इस कंपटीशन में क्या माने जाएंगे, पास माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे हुआ कि बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे। अब इनके बीच में क्या हुआ कि कोलिजन होना, इनके भी ये आपस में टकरा रहे थे, लेकिन टकराना टकराए, देखो टकराने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, टकराएंगे, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि ये इतनी एनर्जेटिक तरीके से टकराए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो मिनिमम एनर्जी है, जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है जिसको हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ऑब्टेंड करना हो पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी, उतनी एनर्जी जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाई कोलिजन ऑब्टेंड नहीं करेगा, तब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो पता चला कि 1 लाख मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, लेकिन 1 लाख मॉलिक्यूल में, 1 लाख मॉलिक्यूल में से केवल 100 से 500 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो इतनी तेजी से टकरा रहे थे कि इस मिनिमम एनर्जी को ऑब्टेन कर ले रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि यही मॉलिक्यूल क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के रेस में, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कितने हुए यहाँ पे, केवल 500 हुआ, कितना हुआ 500 हुआ। बाकी जो कोलिजन थे, बाकी जो 99,500 जो कोलिजन थे वो इनइफेक्टिव थे, क्या थे, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव का मतलब कोई उसका मीन, इनइफेक्टिव का मतलब हुआ कि वो उतना इफेक्टिव नहीं थे कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाते, ठीक है, इसलिए वो रिएक्टेंट थे, वो रिएक्टेंट रिएक्टेंट ही रह गए। बाकी जो 500 जो मॉलिक्यूल थे इतनी तेजी से टकराए, इतनी एनर्जेटिक तरीके से टकराए कि कोलिजन के दौरान इनकी जो एनर्जी इंक्रीज हुई और इंक्रीज होकर के इस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो गई या इससे ज्यादा एनर्जी हो गई, वही 500 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, बाकी 99,500 फेल हो गए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। तो यही बताता है मॉलिक्यूलरिटी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं दूसरे के साथ में। देखो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे तीन और मोर देन थ्री, किसी भी रिएक्शन में तीन या तीन से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में इफेक्टिव
कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर तीन या तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल का आपस में किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पे इफेक्टिवली कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी अगर बहुत कम है, इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी भी तीन या तीन से ज्यादा किसी रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वह तीन या तीन से ज्यादा होने की किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बहुत रेयर चांस है। क्या है? रेयर। इसीलिए किसी भी रिएक्शन को आप देखोगे ना तो मोस्टली रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वन होती है या टू होती है। थ्री या तीन, या तीन या तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी होना किसी रिएक्शन के लिए बहुत रेयर होता है। ठीक है, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पढ़ लेंगे उसके बाद जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आज के लिए।